मार्केट वालों अपने नाल हुई सारी हडबीती सुना रहा यह नौजवान सुनियारा। अपनी जनानी की गल दस, एक प्रवासी इस नाल विश्वास च वो कुछ करके आया कि हुण ये नौजवान इंसाफ की दुहाई दिंदा नहीं थक रहा। उस प्रवासी ने इस नाल जो कुछ की हुण ये अपने किसी सके ते भी शायद विश्वास ना कर पावे। मामला अमृतसर के जंडियाला गुरु का है, जिथे आकाशदीप सिंह नां दे इस नौजवान सुनियारे नाल जो कुछ होया जान के तुसी भी दंग रह जाओगे। एक महीना पहलों जी बंदा आया सी, एक राजू नायक नाम दा, ते उन्हें मैनू कहा है कि मतलब जंडियाले शिफ्ट होए हैं कुछ महीनों तो, ते एक मेरी वाइफ बीमार आ, एक रिंग लेके आया सी कोई 5-1 ग्राम दे लागे कि मैनू अमाउंट चाहिए जिन्नी मिल सकती है, तो मैं कल तक लै जूँगा। तो 15,000 रुपया लैके गया जी वो पहले दिन, तो एक दिन बाद वो वापस दे गया जी वो रिंग। तो थोड़े दिन बाद फिर आया वो एक लॉकेट लैके गोल्ड का, बिल्कुल प्योर सी वो, तो 70,000 रुपया अमाउंट लैके आया दूजी बारी 4 दिन बाद। उदे तो बाद थोड़े दिन बाद फिर आया कि मैनू थोड़ी अमाउंट की वध लोड़ आ मेरे व्यापार दे विच, कोई मेरे फ्रूटा वगैरह का काम आ मतलब, तो मैनू उदे लोड़ पै जांदी है 1-2 दिन वाली, मतलब फिर मैं सेल करके सारा समान तो मैनू पैसे आ जाते हैं। तो 3 लाख रुपया लग गया जी 4 दिन बाद। उदे तो बाद थोड़े दिन बाद फिर आ गया वो 5-1 दिन बाद, 3 लॉकेट सी शायद, तो उन्नू वध अमाउंट की लोड़ ही। तो फिर थोड़े दिन बाद आया उन्होंने जिन्ने वो तो लॉकेट लैके आता सी बिल्कुल प्योर गोल्ड के, तो 7 लाख लै गया। फिर 4-5 दिन बाद आया, फिर वो 11 लाख लै गया जी। हर वारी गोल्ड चैक करवाया, तो इतने जोड़ा भी साडा मुंडा है काम करता हमेशा उन्हें बिल्कुल वधिया तरीके चैक किया। फिर 5वीं वारी आया जी, उन्होंने 16 लाख रुपये अमाउंट की लोड़ ही, तो है उस टाइम पर, तो उन्होंने देते मतलब। फिर 1-2 दिन बाद आया वो, तो अमाउंट दे गया जी वापस, मतलब यकीन ही इन्ना क बना लिया उन्हें, मतलब सोच भी नहीं सकता है कि लास्ट जी। फिर 18 लाख रुपया अमाउंट की उन्होंने लोड़ सी, मतलब शायद 26 तरीक सी लास्ट, थोड़े दिन पहला सोमवार का दिन सी, तो 18 लाख रुपया अमाउंट उन्हें ली है जी। तो गोल्ड थोड़ा ज़्यादा सी, बाद च पता लगा कि गोल्ड प्लेटड सी सिर्फ, वो नीचे सिर्फ चांदी सी। 3.5 लाख दियाँ कोई भारिया आइटमां सी, जिवें कांटे दियाँ जोड़ियां सी, रिंग्स सी हैवी 10-10 ग्राम दियाँ बनियां पईयां, मतलब उहदा गोल्ड थोड़ा ज़्यादा सी। तो कहिंदा कि ये अमाउंट भाजी तुसीं लिख लो, इहदा भी तुसीं इंट्रस्ट कहोगे तो नाल दे देंगे। मैं कहा कोई गल नहीं भाजी, उहदा इंट्रस्ट नहीं चाहिए, तो तुसीं ये सानूं दे दो, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ कोई वापस करनी होगी, जिहदा तुहानूं अमाउंट देण आउणी है 18 लाख रुपये, तो नाल तुहानूं उह दे जांगे। तो कदी फोन बंद होया नहीं सी जी उहदा, तो उत्तों 1 दिन उहदी वेट कीती आ, वैसे तो 1-2 दिन बाद आ जांदा सी। तो तीजे क दिन उन्हें मैं फोन करना है कि तुसीं भाजी जिहड़ा समान लिया आ उहदे च कुछ वापस करना जां रख लिया, तो उहदा फोन बंद होना शुरू हो गया। मतलब तीजे दिन फिर मैनूं शक पिया, फिर मैं बुलाया कि मुंडा ही जिहड़ा चैक करके जांदा सी गोल्ड, कि आ चैक कर लो, सेम आइटमां दे के गया तो बंदे का फोन बंद आ। तो फिर वो चैक किया जी, वो चैक करन नाल ते कुछ नहीं पता लगा, वो कहिंदे कि कट के ही पता लगना है, अगर फोन ही बंद आता पे तो कट के वेख लिए। 5 वारी हमेशा वह गोल्ड बिल्कुल सही सी, तो इस वारी कट के वेख्या तो वो नीचे सिर्फ चांदी सी। किन्ने पैसे लग कट? 18 लाख रुपया कैश सी, तो 3.5 लाख रुपया गोल्ड बनवा के लै गए इतों, सिलेक्ट करके गए। मंग यही जी, जो बनती कार्रवाई आ उन्होंने फड़ के जल्दी तो जल्दी की जाए, कि यह ना हो स्टेट छड के इतों निकल जाए, कुछ दिन ही हो सकते हैं शायद कि वह फड़िया जाए, तो मेरे लिए सही रहेगा, मेरी अमाउंट वापस मिल जूगा। इस मामले च पुलिस उस ठग की तलाश से लगी हुई है। एक अज दरखास्त आई आकाशदीप पुत्र बलजीत सिंह वालों, जिन्हें कहा मैं जूलर हाँ, तो मेरे नाल कोई 21-25 लाख की कोई ठगी कर गया है, मेरे को 16 लाख रुपया 3.5 लाख रुपये के गहने ले गया, मैंने जाली सोना दे गया। हम जांच करते हैं, दरखास्त साढ़े को पहुंची है, देखते हैं, चेक करते हैं, नाले फोन ट्रेस करके कल करते हैं। खैर हुण देखना यह है कि पुलिस किन्नी छेती उस ठग नूं काबू कर सुनियारे नाल हुई लखां रुपए की ठगी की भरपाई करवा पाउंदी है। हकीकत टीवी पंजाबी लई जंडियाला गुरु तों हरजीत सिंह गरेवाल की रिपोर्ट।